हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो मैथ्स पेपर के बारे में जो 9 जुलाई का हुआ था। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीपीएस सैटेलाइट होता क्या है। तो जीपीएस सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। और सबसे पहले जीपीएस सैटेलाइट का जो यूज है वो यूएसए के मिलिट्री पर्पस के लिए इसे यूज किया गया था, लेकिन आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड इसे यूज कर रहा है। तो जीपीएस सैटेलाइट का काम क्या होता है? तो जीपीएस सैटेलाइट का जो एक्चुअली जो काम होता है वो है कि हमको लोकेशन को ट्रैक करके बताता है कि आप किस लोकेशन पर हो या फिर आपको किस लोकेशन पर आपको जाना है। जैसे आपको किसी बैंक में जाना है या किसी आपको एटीएम में जाना है या किसी आपको स्कूल में जाना है, यहाँ पर आपको किसी अनजान जगह पर जाना है जो आप जानते नहीं हो, तो अपने गूगल मैप पर अपनी लोकेशन को डालिए और वो जीपीएस सिस्टम में आपको लोकेशन को बता देगा। तो इसका जो राइट आंसर है पहले क्वेश्चन का वो है 20,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो रीजन है वो वाष्पीकरण होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ, एक मटका आपका बना हुआ है वो मिट्टी का है, एक मटका आपका बना हुआ है धातु का या मेटल का। तो मिट्टी के बर्तन में धातु के बर्तन की अपेक्षा वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल बारीकी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो घड़े का पानी इन्हीं छिद्रों से होकर घड़े की सतह पर आ जाता है और बाहर की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रक्रिया में घड़े के अंदर का तापमान है वो कम हो जाता है और हमारा मटका ठंडा हो जाता है और पानी भी हमारा बिल्कुल जो है ठंडा हो जाता है। तो इसका रीजन यही है कि वाष्पीकरण होगा जिससे हमारा मटका जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, आंतरिक अंगों के बीच में। अगला क्वेश्चन, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो प्राथमिक चट्टाने आग्नेय चट्टानों को बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें जो होती है उनको प्राथमिक चट्टाने बोलते हैं। और आग्नेय चट्टाने के घिसने के बाद उसका जो बुरादा हुए वो दूर जाकर जम जाता है, जैसे दूर जाकर जो इसका बुरादा है वो जम जाता है, तो उसको बोलते हैं अवसादी चट्टाने। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी चट्टाने। और कायंत्रित चट्टाने, तो उच्च ताप और दाब की कंडीशन हो तो दोनों जो चट्टाने हैं अवसादी और आग्नेय, ये कायंत्रित में बदल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कायंत्रित चट्टाने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन सी रहेगा, आग्नेय चट्टाने। अगला क्वेश्चन, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तो तेल जो है पानी में नहीं घुलने के रीजन है, इसके पीछे तेल के अणु जो है वो पानी से बड़े होते हैं। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन रहेगा, तेल के अणु ध्रुवीय होते, तो तेल के अणु ध्रुवीय नहीं होते, पानी के अणु ध्रुवीय होते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन, जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी तक जीपीएस जो सिग्नल है उसको पहुंचने में 1/15 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट के आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, हरक्यूलस C-130J। अगला क्वेश्चन, PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, EOS-04 PSLV। तो PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जितने भी उपग्रह या सैटेलाइट होते हैं उनको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित या स्थापित करना। जैसे इसने अभी जो है EOS-04 को स्थापित किया, EOS-04। EOS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसको जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित या स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन,
कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, हाइपोटोनिक। अगला क्वेश्चन, जी सेट उपग्रह कौन सी फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, एरियन स्पेस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, INS वल्सुरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक मान अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मिथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आवाज आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पुरुष। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, 1 फरवरी 2019। पहले इसके अंदर जो है जो बेरोजगारी भत्ता है वो 3000 या 3500 मिलते थे, लड़कों को 3000 और लड़कियों को और दिव्यांगों को 3500 रुपये मिलते थे। अभी जो वर्तमान में इसके अंदर जो है 4000 और 4500 रुपये मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंत सागरीय कैनियन अवस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, महाद्वीपीय मग्न तटों पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है, मुसी महारानी की छतरी अलवर, ये बिल्कुल राइट है। और ये जो मुसी महारानी की छतरी है वो 80 खंभों की छतरी है। इसका जो निर्माण है वो बख्तावर सिंह की रानी मुसी महारानी, जिसके गुजरने के बाद विनय सिंह ने करवाया था। और मुसी महारानी जो है वो बख्तावर सिंह के साथ में सती हो गई थी। ये जो छतरी है वो रामायण महाभारत के भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है। और ऑप्शन बी दे रखा है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, तो ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी दे रखा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ये भी राइट है। ऑप्शन डी सुंदरी कोटी सीकर, तो ये गलत है क्योंकि सुंदरी कोटी जो है वो टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, बरखान, लाठी श्रृंखला, इंचलबर्ग, प्लाया, तो इसको हमको मैच करना है। तो पहला ऑप्शन जो है इसके अंदर दे रखा है बरखान, तो जो बरखान है ये बालू का स्तूप को कहते हैं। सेकंड दे रखा है लाठी श्रृंखला, तो लाठी श्रृंखला बोलते भूगर्भिक जलपट्टी को। और थर्ड दे रखा है इंचलबर्ग, तो इंचलबर्ग बोलते आबू पर्वत के खंड को। और थर्ड दे रखा है प्लाया, तो प्लाया बोलते हैं शुष्क झील को। तो इसके अंदर पहले का जो है, पहले का ऑप्शन सेकंड, तो सेकंड इसके अंदर ए और डी में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो सेकंड है बी, तो बी के अंदर जो है वो आएगा फोर, तो बी के अंदर फोर कहाँ कहाँ मैच हो रहा है? तो ए के अंदर भी मैच हो रहा है और बी के अंदर भी मैच हो रहा है। तो थर्ड दे रखा है इंचलबर्ग, इंचलबर्ग बोलते हैं फर्स्ट को, मतलब कि आबू पर्वतखंड को। तो सी का फर्स्ट जो है इसके अंदर ये आ रहा है ए, और बाकी डी का थर्ड, तो डी प्लाया जो है वो शुष्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, ये राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है रेवासा, तो ये भी खारे पानी की झील है। ऑप्शन दे रखा है बी जैत सागर, तो जैत सागर जो है वो मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ की है? तो ये है बूंदी की, तो ये गलत रहेगा क्योंकि ये मीठे पानी की झील है। बाकी ना डीडवाना, नागौर और कावोद, ये सभी जो है खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो क्वेश्चन है वो पिछली भर्तियों में जैसे लैब असिस्टेंट और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में कंटिन्यू इसको पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा, 1977-78 में। अगला क्वेश्चन, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अजमेर। बाकी नागौर, पाली, सीकर, ये अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है पायरेट सरवाड, तो ये पायरेट सरवाड यही गलत रहेगा क्योंकि जो पायरेट है वो सलादीपुर सीकर का फेमस है, सलादीपुर सीकर का फेमस है, तो पहले गलत रहेगा। बाकी पन्ना, काला गुमान राइट है, गियापत्र ऋषभते ये भी राइट है, और गारने तांबड़ा राजमहल ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन, तो इसके अंदर गलत ऑप्शन है वो पहले ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं?
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कृषि जलवायु प्रदेश से हर एक एग्जामों में एक न एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई लैब असिस्टेंट की, कंप्यूटर अनुदेशक की, जितने भी जीके के क्वेश्चन है वो मैंने बनाए, वीडियो में जाके आप देख सकते हो, जो मैंने नीचे बनाए हुए वीडियो देख लेना आप। तो वहाँ पर जो है कृषि जलवायु प्रदेश से एक न एक प्रश्न पूछा गया है, तो ये टॉपिक जो है वो कंटेस्ट आप याद कर लेना। कृषि जलवायु प्रदेश जो राजस्थान में, वो 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश है। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो है फर्स्ट सी। इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का कुछ क्षेत्र। तो ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, फर्स्ट सी जिसे बोलते हैं। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो आद्र दक्षिणी मैदान, इसके अंदर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं, तो इसको बोलते हैं फोर्थ बी। फोर्थ बी तो इसके अंदर प्रश्न पूछा गया कि सिरोही पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो लूणी नदी मैदानी जो क्षेत्र हैं, जिसके अंदर पाली, जालोर, जो सिरोही क्षेत्र आते हैं, वो फोर्थ सेकंड बी के अंतर्गत आएंगे। तो ये राइट रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है मेवात, अलवर, भरतपुर, ये राइट है। ऑप्शन बी दे रखा है वांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भी राइट है। और डी दे रखा है हाड़ोती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी राइट है। लेकिन इसके अंदर दे रखा बोमट, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। जो बोमट का जो मैक्सिमम क्षेत्र है वो उदयपुर क्षेत्र में आता है, तो ये गलत रहेगा, ऑप्शन सी गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, मूसली। बाकी कालमेघ, गिलोय और अश्वगंधा, ये सभी जो है वो राजस्थान घर घर औषधि योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, फनापुटी क्या है? तो फनापुटी जो है ऑप्शन ए इसका रहेगा राइट, ये फनापुटी जो है एक परवाल द्वीप है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है? तो फ्रेंड्स एक तो रहता है उपसौर, जो 3 जनवरी को होता है, एक होता है अपसौर, अपसौर जो 4 जुलाई को होता है। तो ये अपसौर और उपसौर जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जितनी भी दूरी होती है इसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो उपसौर का मतलब, उप का मतलब होता है समीप या पास में। तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी जो उपसौर की अवस्था में रहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और उपसौर तो सॉरी अपसौर तो अपसौर होता है वो 4 जुलाई का होता है। इस दिन क्या रहता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एलपी सॉल्ट मृदा पाई जाती है? तो एलपी सॉल्ट जो है वो जयपुर, अलवर और कोटा इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर जो है वो एलपी सॉल्ट पाई जाती है, और यहाँ पर एलईडी सॉल्ट पाई जाती है, और यहाँ पर एंटी सॉल्ट पाई जाती है, और यहाँ पर इनसेप्टी सॉल्ट पाई जाती है, और यहाँ पर जो हाड़ोती क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर वर्टी सॉल्ट पाई जाती है। तो ये जो मृदा के जो वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग ये क्षेत्र बताए गए, तो इसको भी आप याद कर लेना, आने वाले एग्जामों में यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी एएसओ का पेपर हुआ था, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, और इसके अंदर प्रश्न पूछा गया है प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान में 3 पवन ऊर्जा परियोजना है, और प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो प्रथम है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ये राइट है इसका आंसर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। और सेकंड पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो देवगढ़, प्रतापगढ़ में। तो ये प्रश्न पूछा गया था देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रतापगढ़ में। और तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो वो है फलोदी, जो बीठड़ी गांव में स्थित है, फलोदी के पास में बीठड़ी गांव है वहां स्थित है, तो फलोदी जोधपुर, ये तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, घग्गर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश में है, और कितनी है, तो टोटल 12 रामसर साइट है। और भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, तो भारत में है 49 टोटल रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो है सूची फर्स्ट जो नगर दे रखे हैं, और सूची सेकंड जो उद्योग दे रखे हैं, उसके अंदर मिलान करना है।
तो पहला ऑप्शन है डेट्रियाट। तो डेट्रियाट जो है वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, और सेपिल्ड ये कटलरी से संबंधित है, और थर्ड है लॉस एंजिल्स ये फिल्म सिटी से रिलेटेड है, और फोर्थ तेरह का मुल्तानी ये मिट्टी के बर्तन से संबंधित है। तो ऐसे इस तरह से मैच होंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन तो राइट है। सेकंड दे रखा है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी राइट है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, ये भी राइट है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो ये गलत रहेगा इसके अंदर। बाकी ये सभी राइट थे, ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, दिसंबर और जनवरी में, जिसे मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों में कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, शोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति हजार मीटर। अगला क्वेश्चन, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, बाबर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति स्थान क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है ग्रासिया सिरोही उदयपुर, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी दे रखा है डामोर डूंगरपुर, ये भी राइट है। ऑप्शन सी दे रखा है कथौड़ी सिमलवाड़ा। तो कथौड़ी वैसे उदयपुर के क्षेत्र में लगभग 52% रहती है कथौड़ी, लेकिन डूंगरपुर के क्षेत्र में भी कथौड़ी लगभग रहती है, तो ये भी राइट रहेगा। लेकिन ऑप्शन डी दे रखा है रेबारी बारा, तो बारा में जो शहरिया जनजाति है वो सर्वाधिक रहती है, तो ऑप्शन डी गलत रहेगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, 17 दिसंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गेहूं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो वर्टिसोल जो है ये राजस्थान है, तो राजस्थान के यहाँ पर जो हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र में जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, कृषि व संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 29.77। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है सागी, तो सागी नदी जो है वो लूणी नदी की सहायक नदी है, और सबसे अंत में ये नदी लूणी नदी में मिल जाती है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर राइट रहेगा। बाकी साबी नदी, तो साबी नदी जो है वो जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है, और इसके किनारे जो है जोधपुर की सभ्यता विकसित हुई है। बाकी गग्गर और कांकनी ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मूंगफली। बाकी गेहूँ सरसों चना ये सभी रबी की फसल है, और मावठ द्वारा इन सभी को बेनिफिट मिलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान ऊर्जा स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर रावतभाटा परमाणु ऊर्जा, तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है गिरल भूतापीय ऊर्जा, तो भूतापीय ऊर्जा जो है इसका एकमात्र शहर सिरोही है, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि जो गिरल है ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर लिग्नाइट कोयले पर संयंत्र स्थापित है, तो ये गलत रहेगा ऑप्शन बी। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर पवन ऊर्जा, तो ये राइट है। और डी दे रखा है गोरी सौर ऊर्जा, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है? तो इसके अंदर सही कथन हमको बताने, तो पहला ऑप्शन दे रखा है पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर गलत रहेगा।
सेकंड ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन राइट रहेगा। थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, ये ऑप्शन राइट है। और फोर्थ ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, तो ये गलत रहेगा क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो 1993 में लागू हुआ था। तो इसके अंदर जो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, जो सही जो ऑप्शन राइट है वो सेकंड और थर्ड है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है चमड़ा पार्क अचरोल, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है क्योंकि जो चमड़ा पार्क जो है वो माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी, जयपुर में, मानपुरा माचेड़ी जयपुर में। बाकी ऑप्शन स्टोन पार्क धौलपुर ये राइट है, जापानी पार्क निमराणा ये भी राइट है, और होजरी पार्क चोमपकी ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, SC ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, इसको हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड कहते हैं और ये केंद्र सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन से रिलेटेड है, टंगस्टन, और बाकी एक वालदा क्षेत्र जो सिरोही में वो भी टंगस्टन के लिए फेमस है, एक नानकरा क्षेत्र जो पाली में वो भी टंगस्टन के लिए फेमस है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो परियोजना है वो इंदिरा गांधी की मूर्ति के बाद में किया था, तो उसकी जो इंदिरा गांधी की जो मूर्ति है वो 1984 में हुई थी, तो पहला ऑप्शन गलत रह गया। और सेकंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं, तो 9 लिफ्ट नहरें नहीं 7 लिफ्ट नहरें, तो ये भी गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन है नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी, तो नहर की कल्पना है वो कंवर सेन ने की थी, ये भी ऑप्शन गलत है। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन है नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा से नहर गुजरती है, पहरा पहरा मतलब पंजाब हरियाणा और राजस्थान, तो इन सभी में जो है इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, तो ये सभी ऑप्शन जो है वो गलत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ रहेगा, डी रहेगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, 6 जिले जो हैं वो अकाल से प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, चोली डूंगरपुर, क्योंकि चोली जो है वो झालावाड़ क्षेत्र से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी तिलहन की फसलें रबी की मौसम में बोई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सरसों। अगला क्वेश्चन, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चावल। बाकी मक्के के भी एग्जामों में किस्म पूछते रहते हैं, तो मक्के की जो है एक तो माही कंचन और एक है माही धवल, इन्हें भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत टोटल जो है वो 6 जिले हैं वो इसके अंतर्गत हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो एक तो है फतेह सागर झील, और एक है पिछोला झील जो उदयपुर में है, और एक है पुष्कर झील, एक आना सागर झील जो अजमेर में है, और एक है मानसागर झील जो जयपुर में है, और एक नक्की झील जो उदयपुर में है, तो इसके अंदर जो राजसमंद झील ये नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, वालरा। अगला क्वेश्चन, जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो है जनजाति के अकॉर्डिंग 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है? तो मोरा सागर जो बांध है वो टोंक में नहीं है, ये सवाईमाधोपुर में है, सवाईमाधोपुर। बाकी ऑप्शन गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ ये राइट है, पांचना बांध करौली ये भी राइट है, हिंगोनिया बांध जयपुर ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लकड़ी के खिलौने बस्ती, ये राइट है। ऑप्शन बी मसूरिया साड़ी कैथून, ये भी राइट है। ऑप्शन सी बंदेज टाई एंड डाई जयपुर, ये भी राइट है। ऑप्शन डी तारकसी काम उदयपुर, ये गलत रहेगा क्योंकि तारकसी काम जो नाथद्वारा राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लोरी। बाकी ऑप्शन जो है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये राइट है। और ऑप्शन सी केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, ये भी राइट है। ऑप्शन डी केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, ये भी राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड को मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है होता, तो होता जो है वो ऋग्वेद की ऋषा को पाठ करने वालों को बोलते हैं। उद्गाता, तो उद्गाता जो है वो सामवेद के छंदों को गायन करने वालों को बोलते हैं। अधर्वीय, तो अधर्वीय बोलते यजुर्वेद के मंत्रों को पठन करने वाले को। और पुरोहित, तो पुरोहित बोलते यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। तो इसका राइट जो आंसर है ऐसा ये रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजपूत मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, 1919 में। अगला क्वेश्चन, बमलू लिखमादेसर पांचला चिद्दा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जसनाती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। अगला क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कोक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गटियाला अभिलेख। ये 861 ईस्वी पुराना है और इसके अंदर राजस्थान में सबसे पहले सती होने के प्रमाण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्यंतर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, रबाज। एक होता है चौतारा, एक होता है एक तारा, ये सभी तत्ववादी यंत्र हैं। और सतारा ये जो है छुचिरवादी यंत्र हैं, जो मुंह के माध्यम से फूंक के द्वारा बजाया जाता है। मूर्छन ये भी छुचिरवादी यंत्र है और बाकिया ये भी छुचिरवादी यंत्र है। अगला क्वेश्चन, आचिन भिलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, देवनारायण जी। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित में से प्रारंभिक शासकों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है, जो पहला ऑप्शन दे रखा है, राव शिया, राव अस्तान, राव धुअड़, राव रायपाल। तो इसका जो क्रम है वो कंटिन्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये कंटिन्यू है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 1909 में। अगला क्वेश्चन, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुमान चंद ने। अगला क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी जो है एक राजस्थानी भाषा के मासिक पत्रिका है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो बी रहेगा, राजस्थानी भाषा के मासिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन, हेलरू संस्था संबंध है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, गरासिया जनजाति की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, प्रेमल देवी। मारावल आश्रण की जो रानी है प्रेमल देवी, इसने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, चारबेद कहाँ का लोकनाट्य है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, टोंक। अगला क्वेश्चन, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, महाराणा सज्जन सिंह। और महाराणा सज्जन सिंह के जो दरबारी कवि थे वो श्यामल दास थे और इन्होंने वीर विनोद लिखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जयानक की कौन सी रचना है? तो जयानक की जो है वो पृथ्वीराज विजय है। नयन चंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य, और चंद्रशेखर की सम्राज का, और हरिभद्र सूर्य की सूर्जन चरित्र। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सबसे पहले हम मिलाते हैं स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी बोलते हैं जालौर को, और कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ क्षेत्र को, और अर्बुद बोलते हैं सिरोही क्षेत्र को, और अनंत गोचर बोलते हैं सीकर क्षेत्र को। तो इसके अंदर जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, भगवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, दौसा सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उसकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ चेलिया, ये राइट है। ऑप्शन बी टुंडार स्कूल, चावंड और उदयपुर चेलिया, ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानवत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमिलित कीजिए, तो पहला ऑप्शन दे रखा है अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अजरक प्रिंट का संबंध बाड़मेर जिले से है। तो पहले का ऑप्शन फोर, तो पहले का ऑप्शन फोर कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में मैच हो रहा है, तो ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार किस वर्ष में लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, 2012। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जीके के प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को देख लिया, जीके करंट और इसके अंदर जो साइंस जो पूछी गई थी वो सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।